हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं उसे लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने के इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण, जब कोई चमकीली सतह या दर्पण पर प्रकाश टकराता है तो उसकी चमक हमें दिखाई देती है। अब हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये परावर्तक सतह है। जब परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण पड़ती है, जिसे आपतित किरण कहते हैं, तो यह टकराकर लौट जाती है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से सूचित किया जाता है, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है। अब चलिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम,
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।